तरीके से चल रही थी। बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत बाद में आया लेकिन देखा तो गंद फैला हुआ था और मैंने भी जाके गंद फैलाया। नहीं नहीं, डांस गाना बहुत अच्छा है, कैची नंबर है और मज़ा आ रहा है करने में। ऐसे ही गाना होना चाहिए। गुलाब हो ज़रा विकेट गिरा हो, हम लोगों ने उसको चेंज किया। कुछ सरप्राइज था पर मैंने बता दिया, किसी को बताना मत, बीप कर देना। उसे बहुत मज़ा आ रहा है, देख ही रहे हैं आप कितना मज़ा कर रहा हूँ मैं। और गाना एक्चुअली ऐसा होना चाहिए जो सबको तुरंत जुबान पर चढ़ जाए, तो ये ऐसे गाना है, ऐसे गाएंगे और ऐसे चढ़ जाएगा सब लोग। एक्टिंग एक तरफ है और क्रिकेट एक तरफ है, एक्टिंग एक तरफ है, क्रिकेट एक तरफ है, डांसिंग एक तरफ है। तो मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, डांस भी कर सकते हैं, एक्टिंग भी कर सकते हैं और बहुत कुछ। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि गाना सुन लो, आ रहा गुलाबों विकेटें गिराएंगे हमारी, समझ रहे हो? संभाल के रहना, अच्छा स्कोर बनाना ताकि हमें खेलने में मज़ा आए। प्रैक्टिस चल रही है ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन हम करते हैं, कंटिन्यूस नहीं कर पाते। सब लोग शूटिंग करते हैं, सब लोग आते हैं, जैसे मैं भी नायगांव में शूट करता हूँ लेकिन आते हैं तो दो तीन दिन हम लोग कर लेते हैं। एक्साइटमेंट बहुत, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, पहली मैच होने वाली है बहुत जल्द, तो जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे और डर लगता जा रहा है। थैंक यू। देखो भाई, कुछ भी करना कोलकाता बाबू मोशाई को सपोर्ट करना, ठीक है? ओके, ज़बरदस्ती नहीं करो लेकिन करना। किस तरीके से डांस रिहर्सल चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। आज हमारा पहला दिन है। जो सॉन्ग हमने चूज़ किया, हमने नहीं बल्कि सारी लड़कियों ने चूज़ किया है, बिकॉज हमने अपने बालों में गुलाब लगाना था, इसलिए हम लोगों ने गुलाबो सॉन्ग चूज़ किया है। बहुत अच्छा डांस कोरियोग्राफी हुआ है हमारा, फ्लेमिंगो डांस वांस कर रहे हैं हम। तो लड़कियाँ तो सारी आ गई हैं, लड़के अभी आधे आधे करके आ रहे हैं। हमने बहुत ही सिंपल स्टेप रखा है ताकि सब आराम से एक दिन में पिकअप कर सके, एंड अच्छा जा रहा है। मतलब गुलाबों की बात करें तो इस टीम में गुलाबों क्या है, कौन लगा गुलाब है? सारे के सारे गुलाबों हैं। मतलब हर दिन हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप चैट में यही डिस्कस हुआ जाता है लड़कियों के बीच में कि क्या पहनने वाले हैं, कौन गुलाब लगाने वाले हैं, कौन क्रॉप टॉप पहनने वाला है। लड़के सब शांत रहते हैं, सारे की सारी गुलाबों लगी रहती है।
वेल टीम की बात कर रहे हैं तो टीम में क्रिकेट कौन ज्यादा बेहतर खेल रहा है, टीम में क्रिकेट कौन बेहतर खेल रहा है? मतलब सबका अपना अपना इंडिविजुअल जॉब है। कोई यहाँ हिटर है, सलील बहुत अच्छा हिट कर सकता है बॉल, शरद कैप्टन है तो वो बहुत ही समझदारी से सारे प्लानिंग करता है, टिनटिन मस्ती के लिए ही इज एन ऑलराउंडर, ही कैन डू एनीथिंग, वो मस्ती भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, अम बोलर, तो सबकी अपनी एक इंडिविजुअल वो है। लाइक हमारी ओनर निवेदिता, शी इज अ फैंटास्टिक बॉलर, विंध्या बहुत अच्छी बॉल करती है, चारू नई अपकमिंग बॉलर है हमारी टीम की। Well, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी टीम में खेलने में? मेरी स्ट्रैटेजी पिछले 3 साल से इस टीम में एक ही है, आई एम द ओपनिंग फास्ट बॉलर और वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी फ्रैक्चर से रिकवर किया है इसलिए बैटिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बॉलिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। वेल कौन सी टीम आपको ज़्यादा टफ लग रही है, किस टीम को टक्कर देना चाहिए? देखिए दो टीम इस टूर्नामेंट में सबसे टफ है, चेन्नई एंड दिल्ली। आई वुड से दिल्ली बिकॉज उनके पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, आदेश एंड सुरेश। चेन्नई के पास बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बाकी सारे टीम डिसेंट है, बट डेफिनेटली ये दो टीम आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट। वेल मैन पावर की बात करते हैं, इस टीम में मैन पावर काफ़ी कम नज़र आ रहा है और लड़कियां काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या 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 कहना? हाँ हमारी टीम गुलाबों से भरी है, लड़के सीरियसली ले नहीं रहे हैं, पर जितने भी आ रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, आस्ते आस्ते प्रैक्टिस कर रहे हैं। लड़कों की पावर फिलहाल आज तो सच में कम है, बट ठीक है जितने हैं काम चल रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी था किसी काम से नहीं पाया, बट मेरे लिए क्रिकेट बहुत ज़रूरी है तो मैं आई थिंक उसके लिए टाइम पर आ गया हूँ। एंड बस आई थिंक आज क्रिकेट की प्रैक्टिस होगी और कल अगर वक्त रहेगा तो कुछ डांस रिहर्सल भी हो जाएंगे। वेल क्रिकेट की बात करते हैं, टीम के कैप्टन हो तो क्या प्रेशर है कुछ? आई थिंक प्रेशर तो ऐसा कुछ नहीं, आई थिंक वी ऑल आर प्लेइंग, मतलब सब मज़े के लिए खेल रहे हैं, बट डेफिनेटली स्पोर्ट है और क्रिकेट जो है एक रिलीजन है हमारे देश में, तो आई थिंक वो मजाक करते करते सब लोग सीरियस हो जाते हैं फील्ड पर। आई थिंक वैसे पीछे जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी लोग जो हैं बहुत ही सीरियसली हमारी टीम जो है प्रैक्टिस कर रही है, बैटिंग बॉलिंग जो है हमारी काफ़ी अच्छी है पहले से, फील्डिंग भी काफ़ी अच्छी है और लोगों में बहुत जोश भी दिख रहा है। तो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉर अ गुड मैच दिस ईयर। आई थिंक ओवरऑल जो कोलकाता जो बाबू मशाइज हैं वो लोग बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं इस साल, और आई थिंक मेरा एक तरह से मैं आई थिंक एम क्वाइट फॉर्चुनेट कि मुझे इस साल मौका मिला है टीम को हेड करने का, टीम को लीड करने का। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम एंड आई थिंक जो लड़कियां हैं बहुत अच्छा खेल रही हैं, बहुत अच्छा बैटिंग कर रही हैं लड़कियां, बहुत अच्छी बैटिंग कर रही हैं, अच्छी बॉलिंग कर रही हैं। आई थिंक कुछ हमारे बॉलर जो हैं जो हमारे मेन जो हैं उनमें सच बताऊं तो लड़कियां जो उनमें से दो हमारे जो आई थिंक दो तीन जो लड़कियां हैं दे बॉलिंग रियली वेल, और आई थिंक हमारे कुछ फास्ट बॉलर जो हैं जैसे नमन हो गए, कृप हो गए, आई थिंक दे आर ऑल्सो इन गुड फॉर्म। तो बस वही है कि अब प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है, मैच में सबको जलवा दिखाना पड़ेगा। वेल डांस की बात करो, गाना है, सॉन्ग है जी, बहुत अच्छा गाना, आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट, और बहुत ही कैची नंबर है, बहुत ही अच्छा टेम्पो है, बहुत ही फास्ट है, एनर्जेटिक है, आई थिंक जो भी सुनता है ऑटोमेटिकली सब लोग उठ के यू नो स्टार्ट डांस। और तो बस वही है कि आज मुझे टाइम नहीं मिला, बट होपिंग कल आके मैं थोड़ा बहुत जो है प्रैक्टिस कर लूँ लड़कियों के साथ। आई थिंक द गर्ल्स आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, दे आर आल्सो डांसिंग। टीम काफ़ी टफ नज़र आ रही है बीसीसीआई। दिक्कत ऐसा है कि आई थिंक हर एक टीम बहुत अच्छा अपने अपनी तरफ से हर एक टीम चाहती है कि वो अच्छा प्रदर्शन करे, और सब लोग बहुत ही ज़ोरों से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज़ प्रैक्टिसिंग, तो आई एम श्योर सब लोग बहुत ही कंपेटिटिव मूड में हैं, सब लोग एक दूसरे को हराने की मूड में हैं, सब लोग मज़े करने की मूड में हैं फील्ड पर। एक्टर्स एंड पूरे दिन के बाद जब हम लोग खेलने आते हैं यू नो सब लोग इतने थके हुए होते हैं पूरे दिन के शूट के बाद, तो आई थिंक इट्स अ नाइस वे टू कम डी स्ट्रेस। और जैसा पीछे देख पा रहे हैं पिच लग रहा है, तो आई थिंक बहुत तैयारियां चल रही हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए, तो हैप्पी कि हमारी जो मैनेजमेंट है कोलकाता बाबू मशाइज की, हमारी जो ओनर है निवेदिता बासु, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है साल, हमारे जो मैनेजमेंट में है, जो हमारे कुछ लोग जो हैं कार्तिक वगैरह सब लोग, दे बीन रियली वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एंड आई थिंक वेरी वेरी हैप्पी कि द टीम इज़ लुकिंग इन वेरी गुड शेप। तो मुझे उम्मीद है कि पहला मैच जो हमारा पुणे के साथ है, सो हम चाहते हैं कि वो मैच हम डेफिनेटली जीतें और जीत से ही हम जो है हमारी जो टूर्नामेंट की शुरुआत हो। शरद क्या रोल रहेगा इस बीसीएल में, इस बॉलिंग बैटिंग? देखिए नॉर्मली तो मैं पसंद करता हूँ, थोड़ी राइट शोल्डर में थोड़ी इंजरी है, बट तो आई थिंक डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा इस साल बॉलिंग कम हो और बैटिंग ज़्यादा हो। सो हम सब जानते हैं सचिन इज़ लाइक अ गॉड फॉर अस, तो मैंने उनको मतलब मैं बड़ा हूँ उनको देखते हुए बैटिंग करते हुए, उन्हें बैटिंग करते हुए देखते हुए,
तो आई थिंक डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब इतने बड़े एक इंस्पिरेशन आपके सामने हो ऑटोमेटिकली जो है जो आई थिंक बैटिंग आपकी अच्छी हो जाती है. सो आई एम जस्ट होपिंग कि यार कुछ रन बने इस साल BCL में और टीम के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक दर्शक हैं 5 मार्च को जो है BCL स्टार्ट हो रहा है, ये सेकेंड सीजन है और मेरा तीसरा साल है. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड आई थिंक एक्टर्स को आप देखेंगे उछलते हुए कूदते हुए एक डिफरेंट मूड में एक डिफरेंट अवतार में. आई थिंक एक्टर्स को देखेंगे स्पोर्ट्समैन बिल्कुल मतलब यू नो बैटिंग के रूप में, बॉलिंग के रूप में, फील्डिंग के रूप में. तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी डिफरेंट सेट ऑफ एक्टर्स जो आप देखेंगे, जो नॉर्मली हम ऑन स्क्रीन देखते हैं आप लोग, बट यहाँ पर जो एक्टर पीछे देखेंगे वो बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं अपने गेम को. तो आई थिंक दिस इज द रियल अस एंड आई थिंक वी जस्ट लव टू बी यू नो जस्ट लव टू डू वॉट वी वॉन्ट टू डू. एंड आई थिंक हम सबको यहाँ क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, आई थिंक हम सबका फेवरेट स्पोर्ट है. मैं बड़ा हुआ क्रिकेट खेलते हुए. तो प्लीज़ जितने भी दर्शक हैं, सैटरडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच है और हम वो भी देखने वाले हैं. बट 5 मार्च से BCL स्टार्ट हो रहा है. 4 मार्च को हमारा पहला मैच है कोलकाता वर्सेज पुणे. सो प्लीज़ विश अस ऑल द बेस्ट एंड लव यू गाइस. थैंक यू.